सहारा ग्रुप के संस्थापक सुब्रत रॉय का 75 की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने लंबी बीमारी के बाद आज मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार बुधवार को लखनऊ में किया जाएगा। भैया अखिलेश यादव ने उनके निधन पर दुख जताते हुए इसे निजी क्षति बताया है। सुब्रत रॉय स्वर्गीय सुधरी चंद रॉय के बेटे थे और उनका जन्म बिहार के अररिया में एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। सुब्रत रॉय हमेशा से पढ़ाई में काफी अच्छे थे। उन्होंने सरकारी तकनीकी संस्थान गोरखपुर से मैकेनिकल इंजीनियर में डिप्लोमा किया था। सहारा समूह की स्थापना से पहले उन्होंने रियल स्टेट में लंबा समय बिताया था। सहारा समूह की स्थापना से पहले 18 सालों को रियल स्टेट का अनुभव था और व्यवसाय का 32 सालों का बड़ा अनुभव था। उन्होंने स्वप्ना रॉय से शादी की थी और उनके दो बेटे हैं। सहारा इंडिया की तरफ से अभी तक जो भी जानकारी दी गई है उसके मुताबिक सुब्रत रॉय मेटास्टैटिक स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से जूझ रहे थे। इन तीनों समस्याओं के चलते उन्हें कई अन्य बीमारियों ने घेर लिया था। 14 नवंबर को रात 10:30 बजे कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट की वजह से उनका निधन हो गया। बताया जाता है कि उन्हें दो दिन पहले ही 12 नवंबर को कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल से भर्ती कराया गया था। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय बिहार के अररिया जिले के रहने वाले थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कोलकाता में हुई थी, इसके बाद वो गोरखपुर चले गए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1978 में सुब्रत रॉय अपने दोस्त के साथ स्कूटर पर बिस्किट और नमकीन बेचते थे। एक कमरे में दो कुर्सी और एक स्कूटर के साथ उन्होंने अपने इस कारोबार को 2 लाख रुपए तक पहुंचाया। उसी दोस्त के साथ चिट फंड कंपनी खोली। मध्यम वर्ग इस कंपनी में इतना प्रभावित था कि उस समय 100 रुपए कमाने वाली भी 10 से 20 रुपए इस कंपनी में जमा करता था। एक समय में सहारा समूह आईपीएल की पूरे फ्रेंचाइजी का मालिक था। इसके साथ ही फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम फोर्स इंडिया में सहारा ग्रुप की हिस्सेदारी थी। सहारा ग्रुप 90,000 करोड़ के नियोजित निवेश के साथ ही पूरे देश में 60 से अधिक टाउनशिप को विकसित करने की योजना बना रहा था। सहारा समूह करीब 11 लाख लोगों को रोजगार देता है। सहारा ग्रुप की बात करें तो रियल स्टेट, बीमा, मीडिया, मनोरंजन, खेल और स्वास्थ्य सेवाओं में उनका दबदबा काफी ज्यादा रहा है।